नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक निर्मल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और गूगल ड्राइव के क्या फ़ायदे हैं आपके लिए और आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आप जानेंगे किस तरह अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेव रख सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। तो चलिए शुरू जब करते आप हैं। अपने किसी भी स्मार्टफोन को ओपन करते हैं उसमें एक ऐप की तरह आपने परमानेंट देखा होगा जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल पहले से ही रहता है, जिसका नाम है गूगल ड्राइव। दोस्तों, गूगल ड्राइव से आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपने गूगल ड्राइव में और अपने पर्सनल डाटा को भी, कोई भी पर्सनल डाटा आपका कुछ भी हो सकता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, कॉन्टैक्ट और कुछ भी आप अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। और क्या होता है कि आप गूगल ड्राइव में जब कोई भी चीज़ अपलोड कर देते हैं तो आपको वो परमानेंट हो जाती है। आप जब भी चाहें तब भी आईडी लॉगिन करके अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसमें 15 GB तक का आप डाटा रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के गूगल ड्राइव ऑप्शन में जाना होगा। जब आप गूगल ड्राइव में जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ इस तरह इंटरफेस आते हैं, प्लस का आइकॉन आता है जिसमें आप कोई फाइल को, स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप जब प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है आपके सामने, अपलोड का ऐसा इंटरफेस आएगा। आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर कुछ जो भी आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपके मोबाइल में अवेलेबल हैं आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक फ़ोटो को क्लिक किया है और कुछ कंडीशन को आपको फर्स्ट टाइम करना होगा, तो ये वेटिंग टू अपलोड कह रहा है। उसके बाद आपका इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से और आपकी फाइल कितने MB की है उतना आपका डाटा लेके ये वीडियो और फोटोज़ अपलोड हो जाएंगी आपकी आईडी में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, मैंने फ़ोटोज़ को अपलोड किया है। देखिए, मैंने अपने इस फ़ोटो को अपलोड किया है अपनी गूगल ड्राइव आईडी में। अब जब भी कभी मैं अपने किसी भी स्मार्टफोन में अपनी इस आईडी, ईमेल आईडी को लॉगिन करूंगा तो गूगल ड्राइव ओपन करते ही ये फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी। इससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट खर्च होता है, बट आप किसी भी मोबाइल को अगर रिस्टोर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी आपका फ़ोटो डिलीट होता है। और आप किसी के भी स्मार्टफोन में अपनी ईमेल आईडी को ओपन करके और अपने सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी फाइल्स वगैरह आपने अपलोड किए हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा आपके सामने, आप यहाँ पे जाके फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे आपने किसी भी फोल्डर का नाम डाल सकते हैं, माई बेस्ट पिक। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपने अपने फोल्डर बनाकर और यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके अपलोड ऑप्शन दे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये फ़ोटोज़ जो आएंगी वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और, मैंने 2-3 फ़ोटोज़ को अपलोड किया और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये 4 फ़ोटो जो मैंने अपलोड किए हैं अपने मोबाइल में, ये जो आप स्क्रीन पर भी हमारी देख रहे हैं, जो हमने ये आप फ़ोटोज़ अपलोड किया, ये आपको कुछ इंटरनेट लेते हैं। बट क्या है कि आप अगर, आपके 100 फ़ोटो हैं, आप 10, 15, 20 फ़ोटोज़ को पर डे अपलोड करिए वहाँ पे और अपने फ़ोटोज़ को सेव रख सकते हैं। जैसा कि फ़ोटो कैसे सेव होते हैं मैंने आपको फुल बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है और कुछ भी प्रॉब्लम आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, सॉल्यूशन उसका मैं दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें नहीं पता है कि गूगल ड्राइव क्या है। थैंक यू।